सभी अभिभावकों को नमस्कार। जैसे कि आपको पता होगा, सभी अभिभावकों का एक एम होता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। यहाँ मैं एक एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सैनिक स्कूल एग्ज़ाम, जिसे मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। इसे AIETSS के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के लिए होता है। अभी दिसंबर में 16 तारीख तक इसका फॉर्म खुला हुआ है। 21 जनवरी को इसका पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, जनरल एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के कोर्सेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है, बट एक बार अगर आपका बच्चा क्लियर कर गया तो उसको ऑफिसर रैंक की तैयारी कराई जाती है। पूरा खर्चा सरकार लेती है, इंडियन गवर्नमेंट, और आर्मी ऑफिशियल्स बनाया जाता है उसको। हर एक पेरेंट का सपना होता है कि मेरा बच्चा एक ऑफिसर बने, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के लिए ये एडमिशन होता है। अगर रैंकिंग आ जाती है तो आपका एडमिशन पक्का हो जाता है, और आप एक मिलिट्री स्कूल, जो कि एक डिसिप्लिन्ड स्कूल होता है, वहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। मेरे पास एक किताब है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, डेट मीन्स कॉल CET के थ्रू इंट्रोड्यूस कराता है। क्लास सिक्स का है, क्लास नाइन्थ का भी बैच हमारे पास चल रहा है। क्लास सिक्स में पिछले साल हमने 6 बच्चे लिए थे, जिसमें से 5 का सिलेक्शन हो गया था। एक बच्चा अभी भी कंटिन्यू कर रहा है कि इस साल शायद हमारा हो जाए। नाइन्थ के बच्चों का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है मिलिट्री स्कूल के लिए, और कोई पेरेंट अगर चाहता है कि हम इनरोल करें और मिलिट्री स्कूल में हमारे बच्चे का दाखिला हो, तो रिया ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें और एक बार जरूर ट्राई करें, जिससे कि बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट भी पता लग जाए कि उसका IQ लेवल कितना है। और ख़ास करके केवल वही पेरेंट देखें इस वीडियो को जो सजग है, जागरूक है शिक्षा के प्रति। जो जागरूक नहीं है शिक्षा के प्रति, वो रील्स देखें और अदर यूट्यूब पे चैनल देखें। कृपया ये वीडियो ना देखें, उनके लिए है ही नहीं। थैंक यू।